कढ़ी चावल, नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है ना। और कढ़ी जो शायद सबको ही बहुत ज्यादा पसंद आती है, चाहे वो बच्चे हो या बड़े हो, सबको कढ़ी चावल खाना तो बिल्कुल बहुत ज्यादा पसंद आता है। तो आज जो मैं बना रही हूँ वो पालक के पकौड़ों के साथ कढ़ी बना रही हूँ, थोड़ा पंजाबी स्टाइल में। तो ये मेरा तरीका है, तो आप जरूर एक बार देखिए कि मैं ये कढ़ी कैसे बनाती हूँ, जो बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ मीनाक्षी और वेज व्यंजन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया है एक कटोरी दही, और दही अगर खट्टी हो ना तो बहुत ही अच्छी बात है, और इसे अच्छे से फेंट लेना है हमें। तो जब भी आपको कढ़ी बनानी हो तो एक दिन पहले आप दही जो है वो बाहर निकाल के रख देंगे ना तो बिल्कुल खट्टी हो जाएगी। तो एक कटोरी दही में मैंने करीब 1/4 जो है बेसन डाला है। तो बेसन को भी हम अच्छे से बिल्कुल फेंट लेंगे दही के साथ। तो जितना आप इसे फेंटेंगे ना तो बिल्कुल लम्स नहीं रहना चाहिए, और दही में जो कडल हो जाता है ना वो बिल्कुल नहीं रहेगा। और इसमें मैंने अब डाला है 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया और 1/2 चम्मच मैंने लाल मिर्च डाली है, और इसे भी अच्छे से फेंट लिया है और थोड़ा सा पानी मिक्स कर दिया है ताकि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी पतली हो जाए, और बाद में हम इसमें और पानी भी मिक्स करेंगे। तो ये हमारा जो है बैटर कढ़ी के लिए तैयार हो चुका है। तो सबसे पहले मैं अपनी कढ़ी को जो है छोंक लूँगी और साइड बाय साइड में पकौड़े तैयार करूँगी। इससे क्या होगा कि हमारी कढ़ी जो है ना वो जल्दी बनकर तैयार होगी और टाइम कम लगेगा। तो मैंने सरसों का तेल डाला है 2 चम्मच, और मैंने इसमें 1 चम्मच डाला है जीरा, और उसके बाद मैं इसमें जो धनिया होती है ना, धनिया के साबुत धनिया को हमें थोड़ा सा क्रश करके हाथों से डाल देना है, और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है इसमें। और 1/2 चम्मच मैंने मेथी दाना डाला है, तो मेथी दाना आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और 2 लाल मिर्च है सूखी वाली, उसे मैंने तोड़ के डाला है ताकि जो मिर्च है वो अच्छे से तेल में मिक्स हो जाए। और 4-5 कड़ी पत्ता जो है वो डालिए। तो कढ़ी में कढ़ी पत्ता जब डालेंगे ना तभी उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और हींग तो आप बिल्कुल बहुत अच्छे से डालिए, क्योंकि बेसन की कोई भी चीज़ हम बनाते हैं ना तो उसमें अच्छे से हींग डालें ना तो बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाती है वो चीज़, और टेस्ट भी अच्छा आता है। और यहाँ मैंने 1 बड़ी प्याज काटी थी, तो मैंने आधे से थोड़ा सा ज़्यादा प्याज मैंने इसमें डाल दिया, और थोड़ा सा मैंने बचा लिया है जो मैं पकौड़ों के लिए यूज़ करूँगी। तो प्याज को हमें बिल्कुल भून लेना है थोड़ा सा, जब तक ये ट्रांसपेरेंट ना हो जाए, बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है हमें इसे। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक, और 2 लहसुन है जो मैंने क्रश कर लिया है, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, आप चाहें तो पीस भी सकते हैं। और इसे भी अच्छे से हम भून लेंगे तेल के साथ। तो ये देखिए हमारा जो लहसुन अदरक और प्याज है वो अच्छी तरह भुन चुका है, और अब मैंने जो कढ़ी का बैटर तैयार किया था ना बेसन और दही के साथ वो मैंने इसमें डाल दिया, और बहुत सारा पानी डाल दिया है। इसे कम से कम 1 घंटे हमें पकाना होता है, तब जब वो कड़ कड़ के जो बनती है ना कढ़ी, तब जाके उसका अच्छा रियल टेस्ट आपको मिलता है। अब कढ़ी पे आपको कुछ तो मिसिंग लग रहा होगा ना, तो क्या मिसिंग था? नमक। तो जी हाँ बिल्कुल, नमक जब एक उबाल आ जाए ना उसके बाद नमक इसमें ऐड कीजिए, और पानी डालने के बाद ही ऐड कीजिए ताकि आपको एक अंदाज़ा हो जाए कि इसमें कितना नमक हमें डालना है। तो नमक बिल्कुल ऐड कीजिए अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो जब तक हमारी कढ़ी जो है अच्छी तरह पक रही है, बिल्कुल इस टाइम आप जो फ्लेम है ना वो लो मीडियम कर दीजिए और अच्छे से पकने दीजिए, तब तक मैंने क्या किया है, पालक जो है मैंने टुकड़ों में काट लिया, पालक की पत्तियों को बहुत छोटे छोटे टुकड़े कर लिए, और उसमें वो प्याज मिक्स कर दी जो हमने बचा के रखी थी, और मैंने डाला इसमें नमक, और थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है मैंने इसमें, थोड़ा सा हल्दी यानी 1/2 चम्मच के करीब मैंने हल्दी डाली है, ये मैंने 1/2 चम्मच जीरा डाला, और 1/2 चम्मच ही अजवाइन डाली है। तो टीस्पून यानी 1/2 टीस्पून से मैंने डाला है ये सारा, और थोड़ा सा हींग डाला है क्योंकि बेसन है, पकौड़े हैं, तो भैया हींग तो ज़रूर चाहिए। और बेसन हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिक्स करेंगे, हमें एक कंसिस्टेंसी जो चाहिए, बहुत लूज़ भी नहीं और बहुत टाइट भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर टाइट हो गए तो हमारे पकौड़े जो बहुत ज़्यादा हार्ड बनेंगे और वो कढ़ी को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। तो बस इसी तरह हम मिक्स करेंगे। अभी देखिए मैंने इसमें पानी मिक्स नहीं किया है, और अब थोड़ा सा पानी मिक्स करके हम इसका एक लूज जो बैटर है पकौड़ों के लिए तैयार करेंगे। तो बस यही कंसिस्टेंसी हमें रखनी है, और अब फटाफट हम इसको तल लेते हैं।
तो पकौड़ों के लिए जब तेल जो बिल्कुल गर्म हो जाए ना, तब हमें जो फ्लेम है वो मीडियम कर देनी है और फटाफट हमें इसके पकौड़े बना लेने हैं। तो हाथों से ही आप इसे एक गोल शेप देने की कोशिश कीजिए और पकौड़े पालक के बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे कढ़ी के साथ। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए पकौड़े जो हैं पालक के साथ बना के ट्राई करने के। अगर आप प्याज नहीं खाते तो आप प्याज स्किप कर सकते हैं। तो बस दोनों तरफ से हमें अच्छे से सेक लेना है, यानी तल लेना है, और जब थोड़ा सा ब्राउन कलर हो जाए ना, गोल्डन ब्राउन, तो हमें इसे निकाल लेना है। और आपको ना पकौड़े बहुत ज़्यादा रेड नहीं करने, यानी बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो ये हार्ड हो जाते हैं और कढ़ी को एब्जॉर्ब नहीं करते। तो बस ये जो कलर है ना, यानी गोल्डन ब्राउन सा कलर है, तो इसमें हम ये पकौड़े जो हैं वो निकाल लेंगे। तो कई लोगों की शिकायत होती है ये पकौड़े सॉफ्ट नहीं होते और कढ़ी में जो है वो हार्ड रहते हैं, तो बस ये फॉर्मूला याद रखिए कि आपको पकौड़े बहुत ज़्यादा नहीं तलने हैं, बिल्कुल इतने जितने में वो पक जाए, बस इतना ही करना है। तो हमारे पकौड़े जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। अब कढ़ी को पकते हुए कम से कम 15-20 मिनट हो चुके हैं और कढ़ी भी देखिए गाढ़ी होनी शुरू हो गई हमारी, और बहुत अच्छा सा इसका टेक्सचर आया है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा गाढ़ी पसंद करते हैं तो और ज़्यादा अच्छे से पकाइए इसको देर तक, और अगर आपको पतला पसंद है तो आप इस समय ही इसे बंद कर सकते हैं हाफ एन आवर में। तो गैस बंद करने से पहले एक बार पकौड़े डालिए और करीब 10 मिनट तक और कढ़ी को पकौड़ों के साथ पकाइए, ताकि जो पकौड़े हैं ना वो पूरी तरह से कढ़ी को एब्जॉर्ब कर लें और बहुत सॉफ्ट भी हो जाएं। तो ये सारे जो पकौड़े हैं मैंने कढ़ी में इस टाइम ऐड कर दिए हैं, यानी 20 मिनट बाद मैंने कढ़ी में पकौड़े ऐड कर दिए। अब ये कढ़ी में बहुत अच्छे से उबाल आ गया है और देखिए ऊपर बिल्कुल तेल की जो एक परत आ जाती है ना, इसका मतलब जो है हमारी कढ़ी पक चुकी है। तो अब मैंने इसमें 1 चम्मच के करीब कसूरी मेथी डाली है। तो कसूरी मेथी जो है ना वो इसके फ्लेवर को एकदम से एनहेंस करेगी और बहुत ही अच्छा इसका स्वाद आएगा। तो इसे भी अच्छे से मिक्स करके हमें थोड़ा सा और पका लेना है। अब कढ़ी को पकते हुए 30 से 40 मिनट हो गए हैं, तो हम इसका एक ऊपर से एक तड़का मारेंगे घी का, छोंक जिसे कहते हैं, और उसमें बस 1 चम्मच हमें मिर्च ऐड करनी है। तो मैंने कश्मीरी मिर्च ऐड की है इसमें, और ऊपर से इसका जो तड़का मारते हैं ना घी का, वो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो मैं फिर कहूँगी आप इसे ट्राई कीजिएगा और आपको सच में मज़ा आएगा। तो हमारी टेस्टी कढ़ी जो है बिल्कुल बनकर तैयार है, और मैं आपको एक बार दिखाती हूँ कि इसके पकौड़े जो हैं वो कितने सॉफ्ट बने हैं। तो एक बार मैं चम्मच से कट करके आपको दिखाती हूँ। तो लीजिए इस गर्मा गर्म कढ़ी का मज़ा चावल के साथ, और अगर आपको रोटी पसंद है तो रोटी के साथ खाइए, ये उतनी ही अमेजिंग लगेगी। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं। तो मिलती हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।